हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम बात करते हैं कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं सेल डिवीजन को हिंदी में कोशिका विभाजन बोला जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कोशिका। कोशिका क्या होता है चलिए जानते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और इसमें कई प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी गाय, राइबोसोम, अंतःपृद्वीचालिका, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, इस तरीके कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब डिवीज़न की। डिवीज़न का मतलब होता है विखंडन करना या अलग करना या एक नई कोशिका का निर्माण करना। तो चलिए बात करते हैं डिफिनेशन के रूप में कि आप डिफिनेशन किस तरीके से बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण करना ही सेल डिवीज़न कहलाता है। जैसा कि आप हमारा डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक कोशिका से कई कोशिका का निर्माण करना है ना, मतलब एक मातृ कोशिका से एक पुत्री कोशिका का निर्माण करना ही सेल डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, चलिए हम आपको डिफिनेशन दिखा दे रहे हैं। डिफिनेशन अगर आप देख रहे हैं तो डिफिनेशन इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं कि जिसके द्वारा जनक कोशिका पेरेंट सेल से पुत्री कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाओ ने इसे देखा था। सेल डिवीज़न हमारा तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट आसूत्र विभाजन, सेकंड समसूत्र विभाजन, थर्ड अर्धसूत्र विभाजन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो मिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। ओके, चलिए अब बात करते हैं आसूत्र विभाजन। आसूत्र विभाजन क्या होता है पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। आसूत्र विभाजन डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम में आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। इस प्रकार के विभाजन में जिसमें बिना तर्क तंतुओं का निर्माण होता है। देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, ये एक सेल का पार्ट है जिसमें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव मतलब न्यूक्लियस मतलब केंद्रिका, न्यूक्लियस मतलब केंद्र होता है, जिस मतलब सेल में बिना तर्क तंतु के निर्माण हो और सीधे केंद्रक दो भागों में बढ़ जाए उसे आसूत्र विभाजन कहते हैं। मतलब कि इसमें एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस है, कोई भी तर्क तंतु का निर्माण नहीं हुआ। बिना तर्क तंतु के निर्माण से सीधे केंद्रक में दो असमान भागों में ये बढ़ जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दो असमान भागों में बढ़ सकता है जिसे आसूत्र विभाजन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि अब सेल डिवीजन के डिफिनेशन उसमें आपको बताया गया था कि एक मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण करना सेल डिवीजन कहलाता है। सेम प्रोसेस इसमें भी है कि एक मातृ कोशिका से बिना तर्क तंतु के पुत्री कोशिका का निर्माण करना ही सेल आसूत्र विभाजन कहलाता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारा सेल डिवीज़न है उसमें कोई भी केंद्रिका या केंद्रक नहीं है, लेकिन आसूत्र विभाजन में केंद्रक और केंद्रिका क्षुद्रक होते हैं जिसके निर्माण से बिना तर्क तंतु के दो कोशिका का निर्माण होता है जो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं जिसे डॉटर सेल कहते हैं और आसूत्र विभाजन पूरा प्रोसेस हमारा क्या रहता है। चलिए अब आगे बात करते हैं समसूत्र विभाजन किसे कहते हैं। समसूत्र विभाजन के फलस्वरूप पेरेंट सेल क्रोमोसोम वाली संतति का निर्माण करता है। जैसा कि समसूत्र विभाजन में जो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है वो क्रोमोसोम वाले पुत्री कोशिका का निर्माण होता है जिसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं
डीएनए हमारा जब रिप्लिकेशन करता है तो ये मिटोसिस में चेंज होता है क्रोमोसोम में, और इस तरीके से तर्क तंतु के रूप में क्रोमोसोम हमारे डिवाइड रहते हैं। दूसरी प्रोसेस में क्रोमोसोम अपनी अपनी ओर चले जाते हैं, उसके बाद एक डिप्लॉयड सेल का निर्माण करते हैं जो दो कोशिका का निर्माण हो जाता है और अलग अलग भागों में क्रोमोसोम के सम, जिसे समसूत्री विभाजन या मिटोसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है केंद्रक विभाजन, दूसरा हमारा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। चलिए अब बात करते हैं केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन जो हमारा है वो एक अवस्था से एक केंद्रक के दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। केंद्रक विभाजन में दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है, जैसे कि आपने अभी आगे का जो प्रोसेस देखा था उसमें एक केंद्रक थे जिससे वो दो केंद्रक का निर्माण करता है, लेकिन अलग अलग भागों में, ये एक में ही अवस्था में ही दो केंद्रक का, दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं केंद्रक यहाँ है, केंद्रक यहाँ है, ठीक है। दूसरी चीज क्रोमोसोम के साथ, इसमें क्रोमोसोम भी रहते हैं। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है, कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसके चार फेज होते हैं, मतलब चार अवस्था होती है। फर्स्ट नंबर प्रोफेज, सेकेंड नंबर एनाफेज, थर्ड नंबर टेलोफेज और फोर्थ नंबर मेटाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इस तरीके से चार फेज होते हैं। पहले फेज की बात करें जिसे आप हिंदी में बोलते हो पूर्वावस्था, पूर्वावस्था प्रोफेज। इस अवस्था में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो संघनित होकर तर्क तंतु से जुड़ने लगता है। जो हमारा तर्क तंतु होता है, आपने आगे का प्रोसेस में देखा था कि तर्क तंतु के साथ निर्माण हुआ था, उससे हमारा क्रोमोसोम जुड़ने लगता है और केंद्रक झिल्ली जो हमारी होती है और जो केंद्रिका होती है वो विलुप्त होने लगती है। किस अवस्था में? प्रोफेज में। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र संघनित होकर तर्क तंतुओं से जुड़ने लगता है कुछ इस तरीके से, और केंद्रिका और केंद्रक विलुप्त होने लगती है। तो इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ने लगता है तर्क तंतु के साथ। देखिए ये हमारा तर्क तंतु है जिसके साथ हमारा ये जुड़ने लगा, प्रोफेज अवस्था में होता है। और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो टू सिस्टर क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि दो सिस्टर क्रोमाइट्स होते हैं, क्रोमाइट धागे जो होते हैं वो दो सिस्टर होते हैं। सेकंड हमारा है मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है? मध्यावस्था। मध्यावस्था में तर्क तंतु का निर्माण होता है और गुणसूत्र जो होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, मतलब गुणसूत्र हमारा प्रोफेज में क्या होता है कि जुड़ने लगते हैं तर्क तंतु से, लेकिन मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य बिंदु पर आ जाते हैं, मध्य बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा मेटाफेज होता है वो तर्क तंतु से क्रोमोसोम मध्य बिंदु पर आ जाता है, और आगे का प्रोसेस में हुआ था कि गुणसूत्र जुड़ने लगे थे तर्क तंतु से, लेकिन इसमें मेटाफेज में मध्य बिंदु पर क्रोमोसोम आ जाता है। एनाफेज में क्या हुआ, चलिए बात करते हैं एनाफेज की।
इस अवस्था में गुणसूत्र दोनों अर्ध भाग या अर्ध गुणसूत्र पृथक होकर अपने अपने ध्रुव की ओर चले जाते हैं। हमारा क्रोमोसोम जो होता है वो आधे भाग से और अर्ध गुणसूत्र पृथक होकर अपने अपने ध्रुव की ओर चले जाते हैं, कुछ इस तरीके से। तर्क तंतु अपनी ओर ले लेता है इसे और ये इसे, दो ध्रुव होते हैं और दोनों अपनी अपनी ओर क्रोमोसोम को अलग कर लेते हैं। तो इनर फेज में गुणसूत्र के दोनों अर्ध भाग पृथक होकर अपने अपने ध्रुव की ओर चले जाते हैं। लास्ट स्टेज हमारा है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है फ्रेंड्स, इस अवस्था में एक केंद्रक और केंद्रिका का निर्माण होता है। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका पर केंद्रिका का फिर से निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपने पहले अवस्था में देखा था कि हमारा केंद्रक विलुप्त हो गया था, केंद्रिका भी विलुप्त होने लगी थी, लेकिन टेलोफेज के लास्ट स्टेज में केंद्रक और केंद्रिका फिर से निर्माण कर लेती है, जिससे दो संतति केंद्रकों का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। तो ये हुई हमारी फेस की चारों अवस्था। अब बात करते हैं कि जो हमारा केंद्रक विभाजन है वो दो प्रकार के थे, कौन से थे, केंद्रक और कोशिका। तो अब कोशिका द्रव विभाजन क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजन किसे कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। कोशिका विभाजन इस अवस्था में कोशिका द्रव के विभाजन से मात्र कोशिका मतलब पेरेंट सेल से दो संतति कोशिका का निर्माण करती है, किसका, डॉटर सेल का। और जंतुओं में कोशिका द्रव का विभाजन प्लाज्मा झिल्ली के खांच द्वारा तथा पादपों के फ्रैगमोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो ये हमारी हुई डिवीजन का प्रोसेस। आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा सेल डिवीजन के जो तीन पार्ट थे। तो पहला पार्ट आपको बता दिया गया, आसूत्री विभाजन के बारे में पूरा, समसूत्री विभाजन के बारे में भी आपको बता दिया गया, थर्ड में आपको अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ शेयर भी करिए ताकि लोगों तक हमारी बातें पहुँचें और इस चीज़ को सारे लोग समझें, क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 11, 12 एंड बीएससी के आगे प्रोसेस में भी हमारे टॉपिक है, और कंपटीशन लेवल से भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।